एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ 10% में ही होता है। अगर 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक्चुअल कंपटीशन आपका 1 लाख के अंदर ही है, और उसमें वैकेंसी अगर 10,000 है तो आपको 1 लाख से 10,000 में आना है, मतलब 10 को पीछे छोड़ना है, 10 को आसानी से पीछे छोड़ के आप खुद को 10,000 तक पहुँचा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया है, इसलिए ये बच्चों को ये कहूँगा कि उससे डिमोडलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होता है, आप खुद को उस लायक बनाएं, इंशाल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिएगा अपने फायदा के लिए, तो आप बुलंदी पर जाकर परचम लड़ाएंगे, अगर नहीं उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जमीन पर बैठकर अपने तकदीर को कोसेंगे और दुनिया के सामने अपने मजबूरी को कमजोरी बनाकर पेश करेंगे। एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, इलाके में छोटे पैमाने में आपसे शुरू किया था, तकरीबन 33 सालों से आप पढ़ा रहे हैं, उनको आपकी कोचिंग चल रही है, और उनका ये जो सालाना प्रोग्राम, ये 12वां सालाना प्रोग्राम, तो आप ये गैदरिंग ये बच्चों को देख सकते हैं। आज कमरटी या इसके एतराफ़ में मिलदरिया कमरटी और अलिया धाव में अयूब अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है। इस प्रोग्राम में आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है, इसलिए ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि तालीमी इंकलाब की एक आहट है, और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। अयूब के मेहनत का ये समरा है, और उसके साथ साथ उसकी वाइफ असगरी बानो का भी इसमें उतनी ही जो है मेहनत है जितना अयूब का। अयूब क्लासेस द्वारा हर साल की तरह इम साल भी इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए फैलिसिटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आबादी के इंटेलेक्चुअल्स व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हुए। अयूब सर ने इस मौके पर अपने इंस्टीट्यूट के कामयाब बच्चों की हौसला अफजाई की, उन्हें एजाज और कराम से नवाजे गया। इसके अलावा इस मौके पर कोचिंग के स्टूडेंट के साथ साथ उनके गार्जियन भी उपस्थित हुए और अयूब सर के इस कोचिंग की इनिशिएटिव की सराहना की कि किस तरह से वो हर साल एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। इसके अलावा गेट टुगेदर का भी अहतमाम करते हैं जिसमें बच्चों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जाता है। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर में अयूब सर व इस मौके पर मौजूद स्टूडेंट और गेस्ट हजरात ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। का प्रोग्राम है कि और इससे अच्छा हम रिजल्ट कराएं बच्चों से, ताकि उन और इस तरह से अच्छा प्रोग्राम करा कर बच्चों को अवार्ड दें, क्योंकि बच्चों की मेहनत, ईमानदारी और उनकी लगन उनकी कामयाबी की निशानी होती है, इसलिए बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनको कामयाब बनाने की कोशिश करें। केवल इंग्लिश पढ़ने से आज के दौर में कुछ नहीं, आपको हर जिस फील्ड में अगर आपको अच्छा लगता है उस फील्ड में जाएं, और चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, मैथ ऑनर्स हो, क्या नाम है, आपको मेडिकल के फील्ड हो, इंजीनियरिंग के फील्ड हो, गवर्नमेंट सर्विस के जितने हैं उसमें है, और उस तरह कोशिश में कर भी रहा हूँ। मेरे यहाँ कंपटीशन के भी पढ़ाई की जाती है, अयूब क्लासेस फॉर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एवन कंप्यूटर एकेडमी है, जो जहाँ से कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, जिससे कि आज का जो देखे डिजिटल एरा में आपको अप टू डेट रहने होगा। अप टू डेट रहने के लिए जो अभी ज़रूरत है, अभी जो एट प्रेजेंट, क्योंकि आने वाले दिनों में AI जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट के रूप में आ रहे हैं, सकल पढ़ाई आ रहा है, तो उसको उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट करने होगा बच्चों को, कि वो हर तरह से हर हालात को, हर सिचुएशन को मुकाबला कर सके। मोबाइल क्या है? टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कामयाब रखते हैं। आज हम जितने पहिया से लेकर चक्का से लेकर आग से लेकर ड्रोन से लेकर गाड़ी से लेकर मोबाइल से लेकर साइकिल से सब क्या है साइंस की, तो मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिएगा अपने फायदा के लिए, तो आप बुलंदी पर जाकर परचम लड़ाएंगे, अगर नहीं उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जमीन पर बैठकर अपने तकदीर को कोसेंगे और दुनिया के सामने अपने मजबूरी को कमजोरी बनाकर पेश करेंगे। देखिए बच्चे मेरे क्या फे, बच्चे यहाँ पर जो हम तालीम देते हैं, ये बच्चों को इस तरह हम तैयार करते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में अपने तालीम को सही रख सकें, और साथ ही साथ जो लोग उस फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं, यहां तक कि मैं उनका फ़ीस भी नहीं लेता हूं। मेरे पास 40 से 45 ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं फ़ीस नहीं लेता हूं, क्योंकि उन उस फीस पे करने के लिए लायक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बोल देते हैं कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा। मैं उनका एक सिंपली इंक्वायरी कर लेता हूं, बात एकदम सही होता है। भाई मेरे पास भाई बच्चे, आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, हर बैच में मेरा 2-4-5 बैच ऐसे हैं जिनका मैं फीस नहीं लेता, तकरीबन 40 से 42 बच्चे मैं अभी तक फीस नहीं लेता, उनको पढ़ाता हूँ। और मिशन भी है कि आने वाले दिन में जो लड़के पढ़ना चाहेंगे उनको हर तरह से मुमकिन यहाँ से मदद की जाएगी, चाहे वो जिस तरह के हों और पढ़ना चाहें।
सेल्फ स्टडी सुबह उठ के 5 बजे से 8 बजे या 9 बजे तक करती थी। उसके बाद से सर का क्लास रहता था तो सर के यहाँ पढ़ने आती थी, फिर घर का काम रहता था तो वो करती थी। अगर काम भी नहीं करती थी तो मम्मी बोलती थी कि तुम अपना पढ़ाई करो, तो उस टाइम भी कंटिन्यू करती थी अपना पढ़ाई। उसके बाद से खाना खाने के बाद 2 बजे से अगर बैठती थी तो 4 बजे उठती थी, और नमाज पढ़ने के बाद से फिर ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से आती थी तो 8 बज जाता था, तो 8 बजे के बाद अगर मन करता था तो पढ़ती थी। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था पढ़ने का, मेरा मन जब करता था तब मैं पढ़ती थी और ऐसे ही मैं अपना मेंटेन की। और हमारे साथ मौजूद है भैरव गोंगोली कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जनाब तैयब नुमानी साहब। आइए इनसे जानते हैं क्या यू क्लासेस का ये शानदार प्रोग्राम, गेट टुगेदर प्रोग्राम, इसके इसको ये किस नजर से देखते हैं। तैयब नुमानी साहब, आप इस प्रोग्राम को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये एक साल में अंसारी साहब ये प्रोग्राम करते हैं, उनका सालाना एनुअल प्रोग्राम है, और मैं ये समझता हूँ कि वो एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इलाके में छोटे पैमाने पर आपसे शुरू किया था, तकरीबन 33 सालों से आप ये प्रोग्राम आप पढ़ा रहे हैं, उनके आपकी कोचिंग चल रही है, और उनका ये जो सालाना प्रोग्राम, ये 12वां सालाना प्रोग्राम, तो आप ये गैदरिंग ये बच्चों को देख सकते हैं। आज कमेटी या इसके एतराफ़ में मिलगरिया कमेटी और तालिया दाव में अयूब अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं सिर्फ उर्दू और हिंदी में बेल्ट में अयूब अंसारी का आज रिस्पेक्ट से नाम दिया जाता है। और उनके यहाँ पढ़ने का मतलब आज के ज़माने में ये हो गया है कि अच्छी कामयाबी, और पहले आप तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते थे और इंग्लिश में इनके यहाँ अमूमन बच्चे 80 से 90% उनका मार्क्स आता था, और अभी इन्होंने दूसरे सब्जेक्ट की तरह की है, और एक बड़ा जिस तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज कोचिंग सेंटर होता है तो ये उस तरह से चला रहा है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इन्होंने खिदमत के लिए लोगों को कम से कम ज्यादा से ज्यादा और क्वालिटी एजुकेशन जो दे सकते हैं उसकी इन्होंने कोशिश की। उसकी यही वजह है कि आप उसके लिए इतने सारे स्टूडेंट और गार्जियन के यहाँ काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अयूब अंसारी साहब की जो खिदमत है, जो काम है, वो आने वाले दिनों में भी इस तरह से अपने काम को अंजाम देते रहेंगे, और कमेटी और एतराब के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका और एक अच्छी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने एक अच्छा माहौल पैदा किया, लोगों को अच्छी तालीम देने की कोशिश की है, और वो इसमें कामयाब है। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूट पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन अयूब छोड़ करके लोग अयूब अंसारी की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर अयूब अंसारी हर वक्त सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो अवेलेबल है, और उनके टीचर भी अवेलेबल हैं, और अब उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। अयूब अंसारी साहब पूरी ईमानदारी के साथ, यही वजह है कि लोग अयूब की तरफ आ रहे हैं और बच्चे चले आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है यू क्लासेस किस तरह तरक्की करेगा? देखिए, ये जो तरक्की का जो इनका जो ग्राफ है आने वाले दिनों में, ये मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आज जैसे आकाश है या सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह के उस तरह के लेवल पर हम अयूब अंसारी को देखेंगे और अयूब क्लासेस को देखेंगे। बहुत मेरी नई समझना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत बहुत तरक्की। समाज के बच्चों और बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यहाँ से? मेरा ये पैगाम है कि खासकर यहाँ पे बहुत सी माएँ भी हैं और गार्जियन भी हैं, तो आप बच्चों को तरफ तवज्जो दीजिए, और ये खुसूसी तौर पर तवज्जो दीजिए कि अपने मेरा बेटा या मेरी बेटी वक्त बर्बाद ना करे। वक्त बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम। देखिए, जो इंसान कामयाब होता है ना, तो उसके लिए भी 24 घंटे अलार्म बनाया है, जो नाकाम होता है उसके लिए भी 24 घंटे। 24 घंटे को आप कितने हिस्सों में बांटते हैं और अपने लिए अपनी तालीम के लिए आप कितना उसमें लगाते हैं, अपने खासकर मैं कहूँगा कि शाम का जो वक्त है, मैं हमेशा कहता हूँ कि शाम का जो वक्त है उस वक्त को आप बर्बाद मत करें। सुबह आप उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन शाम को आकर के जो रात के 10-11 बजे तक आप बैठ करके पढ़ाई कीजिए, मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वक्त पड़े, जरूरत लगे तो आप मोबाइल देखिए, उससे आप तालीम के लिए देखिए, ऐसे वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये मेरा पैगाम, जब भी हम कामयाब हो, जब हम वक्त की अहमियत को समझेंगे, जब भी हम कामयाब हो। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। अयूब को मैं उस वक्त से भी जानता हूँ जब अयूब जो है एक तहरीक से जुड़ा हुआ था, मगर अयूब ने चंद ये पत्थरों को जोड़कर मूर्ति बनाने में वो कामयाब है, और अयूब का इस प्रोग्राम में आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। इसलिए ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि तालीमी इनकलाब की एक आहट है, बहुत सारे प्रोग्राम है इससे पहले, और
ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। अय्यूब के मेहनत का ये समरा है और उसके साथ साथ उसकी वाइफ असगरी बानो का भी इसमें उतनी ही जो है मेहनत है जितना अय्यूब का है। देखिए सर, जो ये सालाना प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मिसाल पूरी कमरट्टी में नहीं मिलता है। कमरट्टी में कोई भी कोचिंग, कोई भी इदारा, कोई भी लाइब्रेरी इस तरह का प्रोग्राम नहीं कराता है, जहां बच्चों के लिए पिकनिक कम एजुकेशनल दोनों एक साथ साथ आपको पैरेलल एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि यहाँ पर आके पिकनिक का भी मजा ले सकते हैं और आप अपने करियर के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। कुछ बच्चे समाज में देख रहा हूँ कि कम्पटेटिव एग्जाम से डीमोटिवेट हो गए हैं, अब उन्हें मन नहीं कर रहा है कम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का, भीड़ देख के डर जा रहे हैं, उनको क्या पैगाम है? देखिए ये तो शुरू से रहा है कि कम्पटेटिव एग्जाम से लोग डरते रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस से लोग ये करके बस अपनी जान छोड़ा लेते हैं कि ये मिलता नहीं है या पैसे दे के मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप उस लायक बनिए, उस कम्पटिटिव पे आइए कि आप वहाँ पर आप एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ 10% में ही होता है। अगर 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक्चुअल कंपटीशन आपका 1 लाख के अंदर ही है और उसमें वैकेंसी अगर 10,000 है तो आपको 1 लाख से 10,000 में आना है, मतलब 10 को पीछे छोड़ना है, 10 को आसानी से पीछे छोड़ के आप खुद को उस जगह तक पहुँचा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम क्लियर किया है, इसलिए ये बच्चों को ये कहूँगा कि उससे डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होता है, आप खुद को उस लायक बनाएं, इंशाल्लाह जरूर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। बच्चों को यही पैगाम दूंगा कि बस किसी की बात ना सुने, इधर उधर चुपचाप से अपने बड़ों असाध्या ग्राम के गाइडेंस में अपना कंपटीशन का तैयारी जारी रखें। हम लोग भी एक कोचिंग इदारा चलाते हैं अय्यूब सर के साथ, ACCE अय्यूब क्लासेस ऑफ कम्पटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ माशाल्लाह 50 से 60 स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा हमारे इंस्टीट्यूट से। ये तो मेरा ये फर्स्ट टाइम मेरा ये आपका सारा प्रोग्राम, तुमको आज का वो बेहतर अच्छा ही लगा क्योंकि इससे पहले तो हम पढ़ते नहीं थे आई थिंक, तो ये मेरा फर्स्ट है ये प्रोग्राम में, तुमको आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मतलब फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं सर, जितना से जितना हो सके टेस्ट लेते हैं सर, तो मतलब कि इतना टेस्ट ले लेते हैं कि मतलब कोई एवरेज बच्चा भी जो होता है ना वो भी मतलब कि 60 तो क्रॉस करना ही बनता है सर, मतलब कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। हर साल ये प्रोग्राम फेलिसिटेशन का प्रोग्राम जो बच्चों से होता है, इससे क्या फायदा होता है आप लोगों को, कैसा लगता है? सबको मोटिवेशन मिलता है, सबको मतलब जो आता है कि हम भी लाएं अगले साल, हमको भी मिलेगा प्राइज मिलेगा, यही सब अच्छा लगता है। अगर अय्यूब क्लासेस को आउट ऑफ 10 मार्क्स देने को कहा जाए तो आप कितना मार्क्स देंगे? 10 से ज्यादा ही दे दे। अय्यूब सर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हर मास्टर को चाहिए करने को। एक और बच्चा मौजूद है, आइए इसे भी जानते हैं, बाबू नाम क्या है? आरिफ हुसैन। कितने क्लास में पढ़ रहे हो? अभी तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हूँ। HS में तुम अय्यूब क्लासेस से तालीम हासिल की, तुम्हारा HS में कितना स्कोर हुआ? 424। इंग्लिश का मार्क्स बताओ। इंग्लिश में 74 जो मार्क्स लाए हो तुम अय्यूब क्लासेस से पढ़ के, क्या लग रहा है अय्यूब सर का, किस तरह का सपोर्ट रहा है तुम्हारे? अय्यूब सर रेगुलर असेसमेंट टेस्ट लिया करते थे जो हमें बहुत सारा हेल्पफुल ये होता था, यही वजह है कि हम लोग ला पाए बस। अय्यूब सर किस तरह का पढ़ाते हैं कि दूसरे बच्चे दूसरे कोचिंग सेंटर को छोड़ के अय्यूब क्लासेस ज्वाइन करें, उनको क्या बोलें? अय्यूब सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा है, उनका तरीका है पढ़ाने का, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है और रेगुलर जो टेस्ट लेते हैं उससे लड़कों के इम्प्रूवमेंट होते हैं हैंड राइटिंग वगैरह, वही हैंड राइटिंग लिखने का तरीका। अगर अय्यूब क्लासेस को आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स देने को कहा जाए तो आउट ऑफ 10 काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। हम लोग सर के स्टूडेंट 2018 में 12th का एग्जाम दिए थे सर के पास पढ़ते हुए, काफ़ी अभी के सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी उनका ट्यूशन पे क्लासेस काफ़ी एक्सपेंड किया उन्होंने, पहले जब हम आते थे यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा थे लेकिन अभी जितना देख के लग रहा है कि काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है और सर डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है, स्टूडेंट के बीच में एक क्यूरियोसिटी है कि सर के साथ एक्सपीरियंस करें वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग भी एक्सपीरियंस कर पाए, ऐसा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दूँ, CA फाइनल का नेक्स्ट मंथ रिजल्ट है, तो होपफुली CA बहुत जल्द CA बन जाएंगे।
अच्छा, अयुब क्लासेस में जब आप पढ़ते थे और अभी जो बच्चे पढ़ते हैं इनमें फर्क क्या नजर आ रहा है? अयुब क्लास अभी के बच्चों को तो हम जानते नहीं है पर्सनली, तो फर्क तो क्या ही बताए, बट लग रहा है कि सब इंग्लिश को लेकर सीरियस हो रहे हैं। पहले क्या था कि ज्यादा लोग इंग्लिश का ट्यूशन लिया नहीं करते थे, बट अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश के कोचिंग को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको इंग्लिश मस्ट है, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, तो जिसके लिए सब काफी अगर है तो अच्छा लग रहा है ये देख के। आप समाज के बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे रिलेटेड? आप बोलना चाहेंगे कि सर काफी एक अच्छे टीचर है, सभी को जिनको भी लगता है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार सर से आप जरूर मिले, वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं और काफी नॉलेजेबल पर्सन है, तो ऐसे लोगों के साथ टच में रहना काफी अच्छा होता है।